हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमिट एजुकेशन। इन दिस क्लास वी लर्न अबाउट द फिक्स्चर टूर्नामेंट। फिक्स्चर टूर्नामेंट क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने प्लानिंग के बारे में सीखा था। तो दिस इज द पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर वन। इसके अंदर हम फिक्स्चर्स के बारे में जानेंगे, कैसे उनको ड्रॉ करते हैं, फिक्स्चर्स कितने टाइप के होते हैं, अलग जो भी हमारे पास में टर्म्स आएंगी। और एग्जाम परस्पेक्टिव से एग्जाम्स के अंदर हमेशा हर साल ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। हाउ टू ड्रॉ फिक्स्चर, नंबर ऑफ टीम्स आपको वहाँ पर दिया हुआ कि कितने, कोई भी एन नंबर ऑफ टीम आपको दे देंगे, 10, 11, 12, 15, 20, और कहेंगे कि आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर आपको फिक्स्चर्स ड्रॉ करने। तो जैसे फिक्स्चर्स का सिंपल सा अगर आप मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, उसका मीनिंग रहता है कि एक शेड्यूल, एक प्लानिंग। कि जैसे सपोज हमने आप एक आपको एक पिक्चर दिखाई है कि कौन सी डे को, कौन से टाइम पे और कहाँ पर, कौन से वेन्यू पे हमारे पर्टिकुलर मैच रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड द फिक्स्चर। अब यहाँ पर आपका प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, स्पोर्ट्स एन इंडिविजुअल जनरली सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर टीम और अ प्लेयर टू बी विन द गेम। विनिंग हेल्प्स द टीम और प्लेयर इज द रीच द नेक्स्ट राउंड एंड आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मैचेस अ प्लेयर और टीम विन द चैंपियनशिप। सिंपल, एक कोई भी टीम, कोई भी प्लेयर कंटिन्यूस हमारे मैचेस वहाँ पर प्ले करेगी, एक जो हमारा एक फिक्स टाइम रहेगा, फिक्स ड्यूरेशन रहेगा, उसके बाद में जितने भी हमारे मैचेस होंगे, फिनिश होने के बाद में एक पर्टिकुलर टीम हमारी क्या क्या बनती है, इसके अंदर विन होती है, चैंपियनशिप जीत जाती है। सेकेंड, दो टाइम के हमारे पास यहाँ पर टूर्नामेंट हमारे रहेंगे, एक हमारा नॉकआउट बेसिस पर रहेगा, एक हमारा लीग बेसिस रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, सिंपल से यहाँ पर दिया हुआ कि जो नॉकआउट में जो टूर्नामेंट रहता है उसके अंदर हमारी जो टीम जो प्ले करेगी, वो जैसे ही भाग हो जाएगी, डिफीट हो जाएगी, हार जाएगी, वो हमारी टीम क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। सो उसे हम बोलते हैं नॉक आउट टूर्नामेंट, नॉक आउट। सेकेंड इज लीग, लीग के अंदर हारने से जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके कितने मैचेस उसके फिक्स होंगे। सपोज कोई ए टीम है, वो एक टोटल उसको 5 मैच खेल लें, तो चाहे 5 के 5 मैचेस चाहे हारो चाहे जीतो, वो उसको 5 के 5 मैच वहाँ पर खेलने को मिलेगा। लास्ट के अंदर क्या रहेगा कि उनकी जो परफॉर्मेंस रहेगी, टेबल परफॉर्मेंस के अंदर जो बेस्ट टीम रहेगी उसको हम यहाँ पर टीम्स को विन डिसाइड यहाँ पर कर सकते हैं। सेकेंड, अगर डिफरेंस की हम बात करेंगे नॉकआउट और लीग, उसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस आपको मिलेगा वो ये कि नॉकआउट हमारा कम ड्यूरेशन का रहेगा, उसके अंदर हमारा एक्सपेंस है वो भी कम रहेगा, ऑफिशियल्स भी कम रहेंगे। और वहीं लीग की अगर बात करेंगे, लीग टूर्नामेंट हमारा ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा उसके अंदर हमें ऑफिशियल चाहिए और ज़्यादा ऑफिशियल चाहिए, मैन पावर ज़्यादा चाहिए, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी हमारे बस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम पर्टिकुलर चीज़ के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या होता है, टूर्नामेंट इज सीरीज ऑफ गेम और मैचेस प्लेड अमंग द प्लेयर और टीम्स टू डिटरमाइन द विनर। टूर्नामेंट की बहुत सिंपल सी यहाँ पर लैंग्वेज दी हुई है, एग्जाम में इतना इसका नहीं पूछते, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम देख सकते हैं कि टूर्नामेंट क्या है, एक मैचेस की एक सीरीज है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर टीम को या पर्टिकुलर प्लेयर को क्या करते हैं, वहाँ पर विनर डिटरमाइन करते हैं, विनर को घोषित करते हैं। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेमोस्ट्रेट स्किल्स। और हम क्यों करते हैं, क्योंकि कोई मैच हम किस लिए प्ले करते हैं, कि हमें हमारे पास में अच्छे प्लेयर्स हमारे पास में मिले, वो अपने स्किल्स परफॉर्म कर सकें और आगे बढ़ सके, दूसरा पीपल्स को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट वन इज, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टूर्नामेंट फॉर्मेट्स बेस्ड ऑन द एडवांसमेंट ऑफ और एलिमिनेशन क्राइटेरिया और प्लेयर ऑफ द टीम। 3 टूर्नामेंट फॉर्मेट्स आर लिस्टेड बिलो। हमारे यहाँ पर कोर्स के अंदर 3 टूर्नामेंट हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। 1 इज नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट का मैंने बताया कि नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर एक टीम जब तक आगे चलती रहेगी, जब तक वो जीत रही है, जैसे ही वो टीम बाहर हो जाएगी क्या हो जाएगी, जैसे टीम हार जाएगी वो बाहर हो जाएगी। इन नॉकआउट टूर्नामेंट ए प्लेयर और ए टीम कंटिन्यू टू प्ले मैचेस अंटिल इट इज डिफीटेड। जब तक वो हारेगी नहीं तब तक वो आगे बढ़ती चली जाएगी। अब तो फाइनल, अगर जहां भी वो हारती है टीम क्या हो जाएगी, डायरेक्टली हमारे पास में बाहर हो जाएगी। इसलिए जो नॉकआउट टूर्नामेंट रहते हैं उसके अंदर पर्टिकुलर टीम हो चाहे प्लेयर हो, उनके अंदर एक प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि अगर हमें हमेशा अपना बेस्ट देना है, अगर हम हार जाते हैं क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इसके एडवांटेज ये है कि नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है सेव स्कोर्स। सेव स्कोर्स का रीजन क्या रहेगा, क्योंकि जो टीम हो जाएगी बाहर हो जाएगी, तो हमारा जो पर्टिकुलर जो पूरा जो टूर्नामेंट है नॉकआउट, उसका ड्यूरेशन क्या हो जाएगा,
कम होगा, ड्यूरेशन कम होगा, ऑफिसर्स कम चाहिए, ऑफिसर्स कम होंगे, हमारा जो मनी है वो क्या होगा, कम रहेगा। डिसएडवांटेज क्या, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यह है कि अगर कोई भी दो अच्छी टीम, दो अच्छे प्लेयर अगर स्टार्टिंग के अंदर फाइट करते हैं, स्टार्टिंग में अगर वो मैच खेलते हैं आपस के अंदर, तो कोई भी एक टीम बाहर हो जाएगी। सेकंड, कभी कभी इसमें जो हम टीम्स को फिक्सर शेड्यूल करते हैं वो लॉटरी बेसिस पे करते हैं, तो हो सकता है कि जो अच्छी टीम है, जो बहुत अच्छी हमेशा टीम रही है, उस दिन उसका दिन अच्छा नहीं था और वो अगर हार जाती है तो क्या होगा, एक ये उस टीम के लिए एक डीमेरिट हम बोल सकते हैं, एक नुकसान है नोकआउट टूर्नामेंट के अंदर। कभी कभी बहुत अच्छी टीम भी अर्ली स्टेज के अंदर भी बाहर हो जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, टीम्स कैन एलिमिनेटेड इवन एट द अर्ली स्टेज ड्यू टू द गेटिंग डिफीटेड बाई चांस बाई एक्सीडेंट। बाई एक्सीडेंटली हो सकता है उस दिन वो अच्छा नहीं खेले, फिर जल्दी आउट हो गए या कुछ भी ऐसी सर्कमस्टेंस होगी जिससे जल्दी टीम बाहर हो जाए, तो ये इसका एक नुकसान है। सेकेंड हमारा लीग टूर्नामेंट है, लीग का सेकेंड नाम बोलते हैं राउंड रॉबिन। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर बहुत बार ऐसा पूछ लेते हैं कि लीग का सेकेंड नेम क्या है या राउंड रॉबिन को हम क्या बोलते हैं। सो लीग और राउंड रॉबिन आर द सेम है, ठीक है। मिस्टर बर्जर करके हुआ करते थे, वो उन्होंने इसको बनाया था, साइंटिस्ट का नाम बोल सकते हैं, फिजिसिस्ट का नाम आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो लीग के अंदर हर एक टीम, अगर एक ग्रुप के अंदर अगर चार टीम है तो हर एक टीम उनके बाकी सारी टीमों के साथ में एटलीस्ट एक एक मैच यहाँ पर प्ले करेगी। सपोज जैसे ए बी सी बी ई, ए है वो बी के साथ ही प्ले करेगी एक ग्रुप में टीम, अगर सेम ग्रुप में है तो सी डी ई एटलीस्ट वो एक एक मैच सबके साथ में प्ले करेगी, विन और लूज। तो ये हमारा लीग रहेगा। अगर उसको हम डबल लीग बोलेंगे तो हर एक टीम हर दूसरी टीम के साथ में कितने मैच प्ले करेगी, दो मैच वहां पर प्ले करेगी। ये हमारा होता है लीग। लीग का एडवांटेज रहेगा कि सबको इक्वल चांस मिलेगा, प्लेयर्स होते मिलकर दी इक्वल चांस टू प्ले विद ईच अदर, ट्रू विनर। अब देखिए अगर सबको इक्वल चांस मिलेगा, सब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, हमारे में जो रियल में जो ट्रू विनर होगा, सबकी स्ट्रेंथ जो रहेगी लास्ट तक, सारे अगर एक टीम प्ले करती है और वो सबके साथ में जीतती है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो टीम, उसको इक्वल चांस मिला और उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, तो हमारे पास में जो रियल विनर होगा वो हम इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। आईपीएल इसी का ही एग्जांपल है। इंडिया में जितनी भी हमारे पास में लीग चल रही है, जैसे क्रिकेट की आईपीएल है, फुटबॉल की आईएसएल है, हैंडबॉल लीग है, कबड्डी लीग है, प्रो कबड्डी लीग, ये सारे हमारे पास में लीग्स के ही एग्जांपल हैं। तो आपने देखा होगा बहुत लंबी ड्यूरेशन तक ये टूर्नामेंट हमारा चलता है, 1 month, 2 months, तो दिस इज एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज, इसका डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, डिसएडवांटेज ये है कि अगर ड्यूरेशन अगर लंबा होगा तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसिस हमारे ज़्यादा चाहिएंगे, ऑफिसर्स ज़्यादा चाहिएंगे, तो बिसारे डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, ट्रू विनर जो होगा, जो एक्चुअली में जो डिजर्व करेगा वो इसके अंदर विनर बनेगा। नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, नॉकआउट और लीग को हम क्या बोलते हैं, अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे हमारे पास में क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन आ जाएगा। जैसे सपोज पहले हमने नॉकआउट कराया कोई मैच, क्या कराया, नॉकआउट कराया, हमारे पास में चार ग्रुप है, 1, 2, 3, 4, इन चारों ग्रुप के अंदर नॉकआउट मैचेस कराए, और नॉकआउट कराने के बाद सबसे चार विनर हमारे पास में होंगे, आपस में नॉकआउट कराए, उसको क्या बोलेंगे, नॉकआउट कब, नॉकआउट। सेकंड, पहले हमने नॉकआउट मैचेस कराए, देन हम क्या करेंगे, जो हमारे चार जो हमारे विनर आए उनको हमने किसमें कर दिया, लीग मैचेस कराए, उसको क्या बोल देंगे, नॉकआउट कम लीग, यहाँ पर हमको बोल देंगे। सिमिलरली नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट लीग, नॉकआउट, ये सारी चीजें ये एक दूसरे को हम कंबाइन कर देंगे, हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये हमारे पास में उनके कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो जाएंगी। तो टूर्नामेंट के तीन टाइप्स होंगे, वन इज नॉकआउट, वन इज लीग और राउंड रॉबिन से कह सकते हैं, और थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन। तो थोड़ा फास्ट आगे बढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट नाम वो हम पहले करना चाहेंगे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है फिक्स्चर, बायस और सीडिंग। ये आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, आप इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अगर आप याद करना चाहें, बहुत इजी है, ये वाली कर सकते हैं, दिखने में बड़ी है बट इजी है। फिक्स्चर इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द टीम। क्या कर रहे हैं हम, टीम्स को क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, किसके अंदर, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर कर रहे हैं, और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर फॉर कॉम्पिटिटिव फाइट फॉर फिजिकल एक्टिविटी। जो भी फिजिकल एक्टिविटी, जो भी पर्टिकुलर गेम वहाँ पर होने वाला है, उन
वो हमें पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर, जिससे क्या हो एक जो कंपटीशन होने वाला वो हेल्दी कंपटीशन रहे। अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे एथलेटिक स्विमिंग में जाएगा आपको हीट वर्ड मिल जाएगा, पिक्चर्स मिल जाएगा, टाइज आपको वहाँ पर टाई ब्रेकर मिल जाएगा। देन लेट अस अंडरस्टैंड द वर्ड बाय एंड सी, ये आपके दो आएंगे नॉक आउट पिक्चर की हम पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर पूरा। बाय के अंदर क्या रहता है कि जब कोई भी टीम हमारे पास में इक्वल अलॉटमेंट नहीं है या कोई दूसरी वजह से हमारे पास में टीम नहीं पहुंच पाती है, हमने हमारा जो फिक्चर हमने ड्रॉ किया है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो हम कुछ सेवरल टीम्स हम क्या करते हैं बायस देते हैं। बायस का एक सिंपल सा मीनिंग रहता है कि द टीम इज डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉर द सेकेंड राउंड विदाउट प्लेइंग द फर्स्ट राउंड। इसका मीनिंग क्या है गया कि हाँ एक टीम को एडवांटेज मिलता है कुछ टीम्स को कि वो टीम बिना फर्स्ट राउंड खेले विदाउट प्लेइंग द फर्स्ट राउंड आर डायरेक्टली गो थ्रू इन द सेकेंड राउंड, बट इज द कंडीशन इज दिस कि बायस के अंदर सेकेंड राउंड में टीम पहुंचने के बाद हम डायरेक्टली थर्ड राउंड में कभी बाय नहीं देंगे। जिन टीम्स को बाय मिलती है फर्स्ट राउंड में उनके डेफिनेटली कंपल्सरी सेकेंड राउंड के अंदर मैचेस रहेंगे। एक यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, टू पावर एन नॉकआउट के अंदर टू पावर एन, इस बेसिस पे हम बाय का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए कि एन यूनिशन ऑफ टीम है तो भी हम बाय क्या देंगे बाय देंगे। उसके अलावा हमारे पास में सेपरेट पूलिंग ऑफ प्रीवियस विनर इन सेम ग्रुप टू क्रिएट इवन कंपटीशन, हमें फॉर हेल्दी कंपटीशन इवन कंपटीशन कराने के लिए भी हम टीम्स को सीड और बाय यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने दो अच्छी टीम को स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर मैचेस हम करा देते हैं तो भी हमारा कॉम्पिटिशन क्या रहेगा हेल्दी भी रहेगा। और इसके अलावा क्या है कि अगर कोई वीक टीम और लूज टीम को अगर कोई वीक टीम लूज टीम को अगर स्ट्रॉन्ग टीम के साथ में अगर मैच हम कराते हैं दैट आल्सो वी नॉट बी फेयर गेम। सो फॉर दिस वी यूज द बाय मेथड और सीड मेथड। सीड मेथड अभी देखो हमारा आगे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। द सीडिंग इज ए प्रोसेस इन विच टीम्स विल बी प्लेस इन ए सच ए मैनर दैट गुड टीम्स दैट हैव रैंकिंग और प्रीवियस ईयर पोजिशन एक्सेट्रा डू नॉट मीट अनदर टूर्नामेंट एंड अर्ली स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। दिस प्रोसेस जनरली इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस द चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम एट अर्ली स्टेज। अब देखिए टू पर्टिकुलर टूर्नामेंट का रोमांच बनाने के लिए सबसे इसलिए हम मेनली सीडिंग का यूज करते हैं। अगर हमारे पास में सपोज लास्ट ईयर की एक चैंपियन एक रनर अप हम लेके चलते हैं, सपोज ए बी सी डी ई दो एग्जाम्पल समझेंगे और उसके अलावा आप यहाँ सकते हैं 1 2 3 4। सपोज ए और बी अच्छी टीम है, ये हमारे लास्ट ईयर की विनर है रनर अप है। अगर नेक्स्ट टाइम जो टूर्नामेंट होगा इन्हीं को अगर आप फर्स्ट राउंड के अंदर मैचेस अभी अगर विनर रहे होंगे तो लास्ट राउंड में फाइनल में आके होंगे, अगर नेक्स्ट बार टूर्नामेंट जब होगा कभी भी अगर हम ए और बी को एक साथ प्लेस कर देंगे स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट राउंड में तो क्या रहेगा बाकी टीमों के लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा या एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। और इनके लिए भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि अच्छी टीम से अच्छी जो प्लेयर्स हो पहले ही एक टीम बाहर हो जाएगी एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा, उससे क्या होगा टूर्नामेंट हमारा फेयर पे नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे जैसे एक टीम ये अच्छी प्लेयर अच्छी टीम है एक ये फोर्थ बहुत अच्छी टीम है, इन दोनों को हम क्या करेंगे अपोजिट प्लेस करेंगे अपोजिट सीट करेंगे जिससे कि अर्ली स्टेजेस के अंदर ये टीम मैचेस प्ले नहीं करें। क्लियर। द प्रोसेस ऑफ रिजल्ट ऑफ सीडिंग पेयर फॉर कॉम्पिटिशन the arrange or schedule as a competitive team or play so that the more skill matches are in the later round of play. ये बहुत अच्छी यहाँ पर definition है to arrange or schedule as a competitive team or player so that the more skill match in the later rounds of play. कि हम बाद के अंदर क्या करें उनको matches को play करें, starting के अंदर जो अच्छी team है वो matches play नहीं करें इसलिए उनके team को क्या करते हैं seed करते हैं। अब हमारा बहुत important topic आएगा यहाँ पर, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है एक एक पॉइंट देखना है। प्रोसीजर फॉर ड्रॉइंग द नॉक आउट टूर्नामेंट कि हाउ टू ड्रॉ ए नॉक आउट टूर्नामेंट, हम नॉक आउट टूर्नामेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। नॉक आउट की डेफिनेशन आपको पता चल गई कि जो भी स्टार्टिंग में जो टीम रहेगी जैसे ही वो टीम डिफीट होगी वो क्या हो जाएगी एलिमिनेट हो जाएगी, इसलिए हम नॉक आउट को क्या बोलते हैं एलिमिनेशन राउंड भी बोलते हैं एलिमिनेशन फिक्चर भी बोलते हैं और ओलंपिक राउंड भी बोलते हैं। ओलंपिक के अंदर भी हम यही मेथड हम यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्टेप नंबर वन हमारे पास में क्या होना चाहिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टीम हमारे पास में कितनी है। उसके अलावा एक फॉर्मूला उसका बताया था टू पावर एन
टू पावर एन हम यहाँ पर यूज करेंगे, उसका मीनिंग क्या रह गया कि जैसे टू पावर का मीनिंग टू इंटू वन करेंगे तो उसमें क्या आएगा टू, टू इंटू टू करेंगे फोर, टू इंटू टू इंटू टू पावर में यूज करेंगे हम देखिए तो हमारे पास में आएगा एट। अगर हम चार पर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 16, ऐसे नेक्स्ट करेंगे हमारे पास में क्या आ जाएगा 32, ऐसे नेक्स्ट करेंगे 64। तो अगर ऐसे हमारे पास में नंबर है तो हम यहाँ पर कोई भी किसी भी टीम को बाय नहीं जाएगी। अगर टू के मल्टीपल में हमारे पास में नंबर है देन दे विल बी नो बाय। नंबर ऑफ टीम इज 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 आगे जाएंगे जो नंबर ऑफ बीइंग इन मल्टीपल ऑफ टू देन देर इज नो नीड ऑफ बाय। तो हमारे पास में टीम को क्या जाएगी बायस नहीं जाएगी, अंडरस्टूड। सेकंड, इसके अलावा अगर हमारे पास में कोई नंबर आता है 3, 5, 7, 10, 12 तो हम क्या जाएंगे वहां पर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बाइज जाएंगे। अब नंबर ऑफ बाइज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम आपको आगे अभी बताएंगे। क्लियर फर्स्ट थिंग, अगर इसके टू के मल्टीपल में नंबर है, टू के पावर में नंबर है, टू के पावर वाले जो नंबर है तो हमारे पास में नो नीड ऑफ बाइज। क्लियर, इफ द नंबर ऑफ टीम इज अदर देन द गिवन नंबर देन बाइज विल बी गिवन एज पर ड्रो एंड लोड। इसके अलावा कोई अगर नंबर आएगा तो क्या करेंगे हम बाइज वहां पर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज स्टेप टू, तो डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड इन द टूर्नामेंट फॉलोइंग फॉर्मूला भी यूज। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। टोटल नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए कितने होंगे, जितनी हमारे पास में टीम रहेंगी, सपोज हमारे पास में एन नंबर ऑफ टीम है तो उसमें से जितनी टीम रहेंगी उसमें से आप एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैचेस। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास में वहां पर आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सपोज आपके पास में 10 टीम है 10 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 9, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास में कितने आ जाएंगे 9। 15 टीम है नॉकआउट टूर्नामेंट कराने एक माइनस करेंगे तो 14। क्लियर, इन द केस ऑफ 15 टीम देन 15 माइनस 1 इज 14। वन मोर थिंग, नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर जो भी टोटल नंबर ऑफ मैच हमने निकाले हैं तो क्या होगा उसके अंदर थर्ड प्लेस का जो मैच हम कराते हैं थर्ड फोर्थ की हमने कंक्लूड नहीं किया है। अगर थर्ड फोर्थ का मैच कंक्लूड करेंगे तो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मैचेस, जब इक्वल नंबर ऑफ टीम हमारे पास मैचेस हो जाएंगे 10 टीम है 10 मैचेस। ठीक है, तो दिस इज स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर वन इज नंबर ऑफ टीम फाइंड आउट करना है, बाइस का देखना है। स्टेप थ्री हमारे पास में टू हमारे पास में नंबर ऑफ मैचेस। स्टेप थ्री, हम इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी हमारे पास में टीम रहेंगी, सपोज हमारे पास में 7 टीम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक नंबर हम और ले लेते हैं यहाँ पर इस साइड ए बी सी डी ई एफ जी एच। एक साइड हमारे पास में 8 टीम है, एक साइड 7, टोटल 7 टीम है। तो हम क्या करेंगे टीम्स को दो हाफ में डिवाइड करेंगे, हमने दो नंबर इसलिए लिए एक हमारे पास में इवन नंबर है इधर ये हमारे पास में ओड नंबर है। तो अगर हमारे पास में इवन नंबर रहेगा तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे ग्रुप्स टीम्स को दो हाफ में डिवाइड करने के लिए एन डिवाइड बाय टू। क्या यूज करेंगे एन डिवाइड बाय टू, तो 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे। अगर हमारे नंबर ऑफ टीम है 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो अपर हाफ में 4 टीम, लोअर हाफ में 4 टीम, तो 1, 2, 3, 4 उसका क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर, तो 4 टीम अप हाफ अपर हाफ उसको हम लिख देंगे अपर हाफ और लोअर हाफ। अगर हमारे पास में टीम ओड नंबर में, किस में ओड नंबर, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ टीम प्लस 1 प्रॉपर आप देखिए यहाँ लिखा नंबर ऑफ टीम प्लस 1 एन आप लिख सकते हैं एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 हमारे पास में आ जाएगा 4 अपर हाफ। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर करके देखिए 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे 4, तो 4 टीम हमारे पास में अपर हाफ में आ जाएगा। सिमिलरली लोअर हाफ के लिए क्या करेंगे n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना बच जाएगा हमारे पास में 3, तो 3 टीम नीचे आ जाएंगे 4 टीम हमारे पास में अप आ जाएंगे।
में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर देखिए अगर हमारे पास में अगर 60 टीम हमारे पास में थी, अगर हम पेयरिंग करेंगे तो तीन तीन के पेयर बन जाए, तीन पेयर बन जाएगा, एक टीम हमारे एक्स्ट्रा बन जाएगी। जो अक्सर टीम हमारे पास बचती है वो हमारे पास में अपर हाफ में आ जाती है, इसलिए ऊपर हमें प्लस वन यूज करते हैं, नीचे में माइनस वन करते हैं। दोनों चीज हमने देख ली है। टीम्स को किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा रखिए कि जब टीम्स को सबसे दो हाफ में डिवाइड करेंगे, अपर हाफ लोअर हाफ इवन में को इक्वल आ जाएंगे, और ओड नंबर के अंदर एक टीम जो एक्स्ट्रा बचती है हमारी वो कहाँ जाएगी, अपर हाफ में आ जाएगी। तो दिस इज स्टेप नंबर थ्री। नाउ स्टेप नंबर फोर, ये वही है, ठीक है। स्टेप नंबर फोर हमारा आ जाएगा आफ्टर डिटरमाइनिंग द अपर हाफ लोअर हाफ बाय विल बी गिवन। अगर जैसे सपोज हमने टीम्स को डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम टीम्स को बाइस देना प्रोवाइड करेंगे। बाइस देने के लिए पहले आपको मैं थ्योरी समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ यहाँ पर करके। वी कैन डिटरमाइन बाय फाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग द टूर्नामेंट एंड द नेक्स्ट पावर ऑफ टू। ये यहाँ पर आपको एक बहुत ध्यान देखना है, नेक्स्ट पावर ऑफ टू, जो टू पावर हमने यूज किया था, 2, 4, 8, 16, 32, आपको याद रहेगा, हमेशा आपको याद रखना है। पार्टिसिपेटिंग टीम द टूर्नामेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ द टोटल नंबर ऑफ टीम इज 12, द नेक्स्ट पावर ऑफ टू विल बी 16। देखिए अगर यहाँ पर दिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ टीम कितने 12 है, कि 12 टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। हमारे पास नंबर थे 2, 4, 8, 16, 32 और 64, ये सब इसी पर रहेगा, सब इसी बाइस हमारे फाइंड आउट करें। हमारा जो 12 है वो हमारा आता है 8 और 16 के बीच में, यहाँ पर हमारे पास में 12 आता है। तो हमें नंबर ऑफ टीम से जस्ट हाईएस्ट जो 2 के पावर में नंबर है, 2 के मल्टीपल में जो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 16 है, ठीक है। तो 16 में से हम क्या करेंगे, 16 में से नंबर ऑफ टीम माइनस कर देंगे, हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्लियर। ये हमारे पास में इवन, हमारा टोटल बाइस ही आइए, टोटल बाइस आइए 4। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4/2, तो 2 बाइस हमारे अपर हाफ में, 2 बाइस हमारे पास में लोअर हाफ में, क्लियर। 2 बाइस हमारे अपर हाफ में, 2 बाइस हमारे लोअर हाफ में, ये हमारा रहेगा यहाँ पर। अगर हम सपोज हमारे पास में यहाँ पर नंबर ऑफ बाइस आते 5, ठीक है, उस टाइम हम क्या करेंगे, तो उस टाइम हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ बाइस इन अपर हाफ, तो एन बी माइनस 1/2, जो हमने हाफ के लिए डिवाइड किया था, अब उसे नंबर ऑफ बाइस की करेंगे, तो 5 माइनस 1/2 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 2, 5 माइनस 1 4, 4/2 करेंगे 2, और लोअर हाफ के लिए क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ बाइस प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, दैट इज 5 प्लस 1 6, 6/2 करेंगे 3, सो 3 बाइस हमारे लोअर हाफ में, 2 बाइस हमारे अपर हाफ में, क्लियर। देन अलॉटमेंट ऑफ द बाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम बाइस को अलॉटमेंट हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास में क्या स्टेप होना चाहिए। अब मैं आपको पूरा वापस से पूरा बता देता हूँ कौन से स्टेप आपको यहाँ पर करने हैं। देखिए 1, हमारे पास में 2 टीम्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल नंबर ऑफ, आप हमेशा ये लिख लें, टोटल नंबर ऑफ टीम हमारे पास में है 10, ये आपको फाइंड आउट करनी है, इसको हम बोल सकते हैं n नंबर ऑफ टीम्स। सेकंड, नंबर ऑफ मैचेस, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n माइनस वन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 10-1=9 नंबर ऑफ मैचेस आ जाएंगे। थर्ड वन इज नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ लोअर हाफ, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, उसके लिए फॉर्मूला है n/2। हमारे पास नंबर इवन है, ध्यान रखिएगा इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे n/2, अगर ओड नंबर रहेगा तो ऊपर वाले के लिए n+1/2 और लोअर हाफ के लिए n-1/2, हमारे पास में 10/2, सो 5, तो 5 तो हमारे पास में अपर हाफ में आ जाएगा। यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारे पास में आ गया, तो हाफ में, दिस वन इज
अपर हाफ, दिस वन इज लोअर हाफ। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ बाइस, ये ध्यान देंगे नंबर ऑफ बाइस बहुत सिंपल। तो 10, 10 के बाद में नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर हमारे पास में इसके नियरेस्ट में कौन सा है, 10 के नियरेस्ट में 2 का पावर का नंबर दैट इज 16, ये याद रहेगा आपको 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, तो 16 है, 16 माइनस क्या करेंगे नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 2 हमारे पास में कितना है 10, ये हमारे पास में आ गया 6, टोटल नंबर ऑफ 22, ये टोटल 22 हमारा आ गया। अब नंबर इवन नंबर है इसलिए हम वही डिवाइड करेंगे 6 नंबर ऑफ 22, अपर हाफ के लिए क्या करेंगे नंबर ऑफ 22 डिवाइड बाय 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो समझ आएगा 3 बाय दिन अपर हाफ, 3 बाय दिन लोअर हाफ। अगर हमारे पास में इवन ओड नंबर होगा तो क्या होगा नंबर ऑफ 22 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फॉर अपर हाफ, नंबर ऑफ 22 प्लस 1, नंबर ऑफ 22 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 फॉर लोअर हाफ, तो 3 बाइस यहाँ पर आएंगे। अब देखिए बाइस हम कैसे देंगे, दिस इज अ प्रोसीजर फॉर बाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी हमेशा सबसे पहली जो बाइस आएगी जो फर्स्ट बाइस वो हमारी लास्ट टीम जाएगी, लास्ट टीम ऑफ अपर लोअर हाफ, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, सो ये जाएगा B1। अब हमारे पास में जाएगा B2, बाइस नंबर 2 हो जाएगी टॉप, टॉप ऑफ अपर हाफ, तो हमारे पास में ये आ गया B2। एक बार हम स्टार्ट करेंगे लोअर हाफ से, फिर जाएंगे अपर हाफ में, फिर हम अगेन हम लोअर हाफ में आएंगे। अब जो B3 जाएगी कौन सी जाएगी, B3 वो जाएगी टॉप ऑफ लोअर हाफ, दैट इज B3। नाउ फोर्थ वन जाएगा लास्ट ऑफ अपर हाफ, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, ये हमारे टोटल साइकिल, सेम साइकिल हमारी रिपीट हो जाएगी। फिफ्थ बाई हमारे पास में कहाँ जाएगी, अगेन हम कहाँ जाएंगे लोअर हाफ में चले जाएंगे, अगेन हम कहाँ जाएंगे अब चले जाएंगे B6, और टोटल हमारे पास में 22 थी, 3 बाइस हमारी अप आई है, 3 बाइस हमारे पास में लोअर आए। अब हम फर्स्ट राउंड की मैच हम यहाँ पर प्ले करेंगे, नंबर ऑफ फाइंड आउट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पर 3 और 4 का मैचेस फर्स्ट राउंड में हुआ, हम सपोज करते 3 यहाँ से विनर हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं 7-8 का मैचेस, तो 7 सपोज यहाँ से विनर, हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस फर्स्ट राउंड में हुए 2 मैच हमारे यहाँ पर रहेंगे। अब सारी टीम कहाँ पहुँच गई, सेकेंड राउंड पहुँच गई, जो हार गई वहाँ से बाहर हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, जो विन हुआ सेकेंड राउंड पहुँच गया, और जो वाइज मिली वो भी हमारे कहाँ पहुँच गई टीम सेकेंड राउंड में, दैट इज अब करेंगे सेकेंड राउंड के मैच, दोनों टीम्स को बाय मिली थी वापस मैच करेंगे, सपोज वन यहाँ से विनर हुआ। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे 3 यहाँ से विनर हुआ, 3 यहाँ से विनर था और 5 यहाँ पर बाइस मिला था, इन दोनों को आपस में मैच हुआ, 3 यहाँ पर विनर हुआ, सपोज करते हैं यहाँ से 6 हमारा विनर हुआ, 6 बाइस को सेकेंड राउंड मैच प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज 9 और 10 का मैसेज हुआ, तुम्हारे पास विनर हुआ 9, डन। नेक्स्ट वन इज जो टीम्स विनर हुई कहाँ पहुंची राउंड नंबर 3 में, यहाँ पर मैचेस हुए 1 और 3 का, यहाँ से मैचेस हुआ 6 और 9 का, डन। अब जो टीम यहाँ से विनर हुई वो कहाँ पहुंच जाएंगी राउंड नंबर 4 में, तो यहाँ से एक टीम विनर हमारे यहाँ को मिल जाता है राउंड नंबर 4। तो दिस इज द प्रोसीजर कि हाउ टू गिव द बाइस, तो बाइस में कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा याद रखना कि हमारे पास में जो पहली बाइस आएगी वो लास्ट में जाएगी, सेकेंड बाइस हमारे पास हमेशा टॉप में जाएगी, अगेन हम नीचे आएंगे उसमें टॉप में जाएंगे लोअर हाफ के टॉप पे, फोर्थ बाइस हमारे पास में कहाँ जाएगी अपर हाफ के लास्ट में। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर गिविंग द बाइस। नेक्स्ट है नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, कितने आपके पास में 2 की पावर n लगेगी उतने ही हमारे पास में नंबर ऑफ राउंड हो जाएंगे, क्लियर। देखिए यहाँ पर अगर जैसे आपके पास में टोटल नंबर ऑफ टीम्स है 4 के अंदर अब कोई बाइस नहीं आए क्योंकि 2 के पावर में है, नेक्स्ट 2 की पावर 4 है, तो 4 माइनस 4 कर देंगे। अब देखो अगर आप फाइंड आउट करेंगे 4
पावर नेक्स्ट और नंबर ऑफ टीम में फोर कितना जाएगा जीरो, तो मतलब जीरो वाइज वहां पर जाएगा। क्लियर। तो चार टीम है ए बी सी डी ड्रॉ किया, ये हमारा हाफ आ गया। यहाँ पर आप यहाँ में आपको एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ए का बी के साथ मैच हुआ, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मैच कौन से डेट को कौन से टाइम पे और वेन्यू कौन सा रहेगा। ठीक है, सी डी का मैच हुआ, यहाँ से एक विनर निकला, तो आपस में इनका मैच हमें क्या मिल जाएगा, एक यहाँ पर विनर मिल जाएगा। इसकी आपको एग्जाम में लीड नहीं है, आप यहीं पर आप शो कर दीजिए कौन सी टीम आपकी विनर यहाँ पर हुई। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टीम एट के साथ में, टोटल नंबर ऑफ टीम इज एट, टोटल नंबर ऑफ मैच एट माइनस वन, एन माइनस वन करेंगे तो अपना सेवन आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बाइस, तो एट में कोई नो नीड ऑफ बाइस चाहिएगा, कोई बाइस वहाँ पर नहीं मिलेगी, दैट इज बी पावर ऑफ टू, टू के पावर का मल्टीपल है ये आपको मैच, इसकी आपको नो नीड ही नहीं किया। ठीक है, आप तो अगर टाइम बचा आप दिखा सकते हैं, वरना इसकी नीड नहीं है। अगर ए वर्सेस बी अपने यहीं पे देखिए, यहाँ पर लिखा हो फर्स्ट मैच बिटवीन ए वर्सेस बी वन बाई ए, अब यहीं पे आप शो कर दीजिए आठ टीम है, टोटल नंबर ऑफ टीम एट है, एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, मैचेस आप कराएंगे ए वर्सेस बी सी डी ई एफ जी एच, जो विनर हो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो उसके बाद में आपका टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा, इसकी नीड आपको यहाँ पर रहेगी। राउंड टू, और राउंड के लिए आप यहाँ पर शो कर दीजिए, दैट इज राउंड नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ कर सकते। नेक्स्ट वन इज, अगर हमारे पास में 11 नंबर ऑफ टीम है, तो आपको ध्यान देखना है 11 मैच, टोटल नंबर ऑफ टीम इज 11, नंबर ऑफ मैचेस एन माइनस वन, 11 माइनस वन करेंगे तो 10 आ जाएगा, नंबर ऑफ वाइज करेंगे तो 11 का नेक्स्ट हाइस्ट नंबर क्या होगा 16 होगा, 16 माइनस 11 करेंगे तो 5 नंबर ऑफ वाइज आ जाएंगी। अब 22 को कैसे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ वाइज इन अपर हाफ, ध्यान रखिए नंबर ऑफ वाइज इन अपर हाफ के लिए क्या करेंगे, एन बी फॉर्मूला माइनस वन डिवाइड बाई टू, तो नंबर ऑफ टीम वाइज कितना आएगा 5 आएगा, माइनस वन करेंगे डिवाइड बाई टू करेंगे तो 2 आएगा टोटल, लोअर हाफ के लिए 5 प्लस 1 डिवाइड बाई टू करेंगे तो 3, तो 3 वाइज हमारे लोअर हाफ में, 2 वाइज हमारे अपर हाफ में। क्लियर है, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ लोअर हाफ डिवाइड कर सकते हैं आपका सेम, इसका जस्ट अपोजिट नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, ये स्टेप आपको ऊपर भी यहाँ लिख सकते हैं, मैसेज के बाद में स्टेप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ 11 प्लस 1 डिवाइड बाई टू, एन प्लस 1 डिवाइड बाई टू, एन माइनस 1 डिवाइड बाई टू करेंगे तो ये फॉर्मूले से आपका ये आ जाएगा 11 प्लस 1 डिवाइड बाई टू 6 बचेगा, 11 माइनस 1 डिवाइड बाई टू करेंगे तो 5 यहाँ पर बनेगा। ठीक, ये आपके आ जाएंगे 22, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें आपको सबसे पहले लाइन हमेशा ड्रॉ करिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल आपको। अब 11 के अंदर 6 से हमारी ऊपर रहेंगे, 5 से हमारे पास में नीचे रहेंगी, 6 5 11 नंबर ऑफ बाइस में 3 बाइस हमारे नीचे रहेंगी, तो पहली बाइस हमेशा लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, सेकेंड बाइस टॉप टीम ऑफ अपर हाफ, नंबर 3 बाइस हमारी कहाँ जाएगी लोअर हाफ के टॉप पे, और फोर्थ बाइस हमारी कहाँ रहेगी अपर हाफ के लास्ट में, हमें एक साइकिल कंप्लीट होगी, अगेन सेम साइकिल हम चलाएंगे, हमारे पास कितनी बाइस भी रहो अगर ये आएगा बाइस 6 होती है हमारे पास में, हम कहाँ जाते 2 को मिलता, देन हम यहाँ पर आते, देन अब जाते, तो सेम साइकिल हमारा यहाँ पर हमेशा चलेगा, सो डोंट बी कंफ्यूज। ये वो सेम है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, इसको स्किप भी आप कर सकते हो इस स्टेप को। तो ये हमारा नॉकआउट है टूर्नामेंट पूरा। अब नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर में फिर से अगर हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सी कौन सी चीज हमें चाहिए, आपको टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपको निकालने हैं, वहाँ पर 5 स्टेप, अगर आपको 3 मार्क्स यहाँ पर चाहिए तो आपको ये चीज करने, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ टीम, टोटल नंबर ऑफ ब्राउन, नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ बाइस,
total number of 22 मैच टीम ग्राउंड 22, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करनी। तो ये चेकलिस्ट है, क्वेश्चन करने के बाद में आपको चीजें चेक करनी है कि वेदर आपने सारी चीजें पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर आपने की हैं या नहीं। नेक्स्ट क्लास के अंदर पार्ट थ्री वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रोसीजर टू ड्रो लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट की, हम राउंड लीग रोबिन टूर्नामेंट के अंदर पिक्चर कैसे ड्रो करते हैं। यहाँ पर आपके पास में तीन टाइप के आपके पिक्चर्स यहाँ पर आएंगे, दैट इज स्टेयर केस आएगा, साइक्लिक आएगा, टेबलर आएगा। तो ये हम करेंगे, हम कैसे इनको ड्रो करते हैं। सबका अलग अलग फॉर्मेट रहेगा, सबका अलग अलग यहाँ पर रूल्स रहेगा। सीडिंग, एक वन मोर थिंग है, सीडिंग के लिए हम कंफ्यूज नहीं होना। जो पीछे पढ़ा था, जैसे हमने नंबर ऑफ टीम हमारे पास में था, सपोज हमने जो पीछे किया था नंबर ऑफ टीम, हम उनको क्या करेंगे, सपोज हम यहाँ इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं टीम ए को हमने अगर सीड किया, हमारे पास में सीड हमेशा दो को या चार को ही हम क्या करेंगे, टीम्स को टोटल सीड हम करते हैं, तो उनको क्या करें सेपरेटली हमें उनको फिक्स करना है, अलॉट करना है। अगर ए टीम बहुत अच्छा खेली थी लास्ट टाइम और एच टीम बहुत अच्छा खेली थी, तो सीड वन हम यहाँ रखेंगे, सीड टू यहाँ रखेंगे। अगर सीड थ्री फोर रहेगा तो हम इनको यहाँ पर और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये टीम अर्ली स्टेज में नहीं आएंगी। अब देखिए एच हमारा जाके अगर विन होगा तो यहाँ पर वो फाइनल से पहले तक नहीं आएगा, ठीक है। तो हम सीडिंग का एग्जाम्पल यही है, और सीडिंग का मीनिंग यही है कि जो टूर्नामेंट का पूरा एंटरटेनमेंट है, रोमांच बनाने के लिए हम टीम्स को, गुड टीम्स को स्टार्टिंग में क्लासेस नहीं हो, उनके मैच स्टार्टिंग में नहीं हो, हम क्या करते हैं उनको सीड प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो जो लेटर राउंड, जो लेटर जो राउंड होंगे उनमें वो प्ले कर सके। तो दिस इज फॉर द टुडे, इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक दी पार्ट थ्री वीडियो के अंदर हम करेंगे, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा प्रोसीजर टू ड्रो लीग और राउंड रॉबिन फिक्चर्स के अंदर हमारे पास में टीम टाइप के हमारे होंगे। सो अब कंप्लीटली विद पेशेंस आपको पूरा वीडियो देखना है, कोई भी डाउट है आप कभी भी हमसे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।